जय हिंद स्टूडेंट। मैंने लास्ट वीडियो सिचुएशन टेस्ट से रिलेटेड बनाया था, जिसमें बताया था 3D मॉडल कैसे डेवलप किया जाए। जो स्टूडेंट कहीं से हेल्प नहीं लिए, जिनको 3D मॉडल के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, सिचुएशन टेस्ट में क्या होता है वो जानकारी नहीं थी, वीडियो के थ्रू वो काफ़ी कुछ सीखें। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वीडियो पर कमेंट किए, कुछ सजेशन भी दिए, कुछ स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप किए और डायरेक्टली कॉल भी किए। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर, सिचुएशन टेस्ट, स्टूडियो टेस्ट के लिए हम लोग 3D मॉडल तो डेवलप करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन राइटअप को कैसे लिखा जाए। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राइटअप परफेक्ट वे में कैसे लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट है जिसको आप माइंड में रखिए, उस पॉइंट के थ्रू आप अपना राइटअप को परफेक्ट और प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। राइटअप को लिखने का पर्पस ये है कि जो आप मॉडल, जो आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या किए हैं, उसके अबाउट में लिखना, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसको लिखना, क्यों यूज हुआ है ये लिखना। तो इसको मैं स्टेप वाइज बताने जा रहा हूँ ताकि आपका अच्छा मार्क्स सिक्योर हो जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको जहाँ राइटअप लिखना है, जिस पेज पे आपको राइटअप लिखना है, उस पेज में लेफ्ट साइड मार्जिन है या नहीं। अगर मार्जिन नहीं है तो आप 1 इंच का लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़िए और स्टेप को फॉलो कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है कि जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है वो किस क्लाइंट के लिए डेवलप किया है। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपका प्रोडक्ट फंक्शनल है या नहीं। अगर फंक्शनल है तो उसको अपने राइटअप में आप मेंशन कीजिए, इसे आपका राइटअप इफेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप जो प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, जो 3D मॉडल डेवलप किए हैं, तो किसे इंस्पायर होके आपने बनाया है, उस प्रोडक्ट को आप किससे इंस्पायर होके बनाया है, ये आपको राइटअप में लिखना है। फोर्थ स्टेप क्या है दोस्तों कि मटेरियल का कलर, आपने पेस्टल शीट जो यूज किया है या स्ट्रो यूज किया है, सभी का कुछ ना कुछ कलर होगा, तो आपने उस कलर का मटेरियल क्यों यूज़ किया है, उस कलर का मीनिंग क्या है, ये आप अपने राइटअप में लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिफ्थ स्टेप क्या है कि प्रोडक्ट और मॉडल में आपने जो जो मटेरियल यूज़ किया है, उस मटेरियल का लिस्ट बनाइए और वो मटेरियल आप किस पर्पस से यूज किया गया है, इसको आप राइटअप में मेंशन कीजिए। मान लीजिए आप कोरोगेटेड शीट यूज किए हैं तो किस पर्पस से यूज किया गया, थर्मोकोल आप बेस में यूज किए हैं तो किस पर्पस से यूज किए हैं, या स्ट्रो किस पर्पस से यूज हुआ है, थर्मोकोल बॉल है वो किस पर्पस से यूज किया है, वायर, एल्यूमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल, आइसक्रीम स्टिक, टूथपिक, जितना भी आपने मटेरियल यूज किया है उसका पर्पस आपको राइटअप में मेंशन करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है वो प्रोडक्ट किस एरिया को माइंड में रख के आपने बनाया है, वो प्रोडक्ट आपका टाउन में जाएगा, सिटी में जाएगा, विलेज में जाएगा या घर में जाएगा, कहाँ पे ये प्रोडक्ट आपका सेल होगा, ये आप मेंशन कीजिए राइटअप में। इसके साथ आपको ये भी लिखना है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप के लोग, किस टाइप के क्लाइंट यूज करेंगे, अपर क्लास के लोग यूज करेंगे, लोअर क्लास के लोग यूज करेंगे या मिडिल क्लास के लोग यूज करेंगे, इसको आप राइटअप में स्टेप वाइज लिखिए। दोस्तों, मॉडल में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्ट में फंक्शनल आपने कुछ सोचा, कुछ बनाया, लेकिन वो विजिबल नहीं है, तो आप राइटअप में आप उसको लिख सकते हैं, एक पॉइंट देखे कि आपका राइट साइड में या टॉप राइट साइड में आपने लाइट यूज किया है या लिफ्ट यूज किया है, इसको आप राइटअप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों कि जो भी आपने मॉडल डेवलप किया है उसमें, मान लीजिए एक मॉल है, आपको मॉडर्न मॉल डेवलप करने के लिए बोला गया, 3D मॉडल आपने डेवलप कर लिया, लेकिन किसी कारणवश आप उसमें एक्सेलेटर देना भूल गए या टाइम नहीं मिला या विंडो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो आप अपने राइटअप में उसको लिख सकते हैं कि दिस पार्ट में मेरा विंडो है या दिस पार्ट में आप मेरा एक्सेलेटर है। तो दोस्तों, ये कुछ स्टेप था जिसको आप माइंड में रख के आप प्रॉपर वे में अपने राइटअप को लिख सकते हैं ताकि आपका मार्क्स सिक्योर हो और
एक अच्छा रैंक लाए, क्योंकि सिचुएशन टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है जो आपके रैंक लाने में मदद करता है, जिसका वेटेज 20% है, जिसमें 5 मार्क्स आपका राइटअप के लिए होता है और 15 मार्क्स आपका 3D मॉडल के लिए होता है। तो दोस्तों, आप राइटअप को प्रॉपर वे में लिखें, इस स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका मार्क्स अच्छा सिक्योर होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहा है वो नंबर आप सेव कर लीजिए। डिज़ाइन रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कभी भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे और वीडियो बनाना चाहिए डिज़ाइन फील्ड से रिलेटेड, डिज़ाइन कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, निफ्ट से रिलेटेड, NID से रिलेटेड, IIT UCET से रिलेटेड, FDDI से रिलेटेड, IICD से रिलेटेड, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा वीडियो के थ्रू आपको बताने का। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हाउ टू राइट राइटअप यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।